वो आज भी दूरबीन के ऑपरेशन के सक्सेस पर, सफलता पर सवाल उठाते हैं। आज भी उन लोगों को लगता है कि दूरबीन का ऑपरेशन पूर्णतया सक्सेसफुल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करें दूरबीन से रिलेटेड ऑपरेशन से मिथ्स के बारे में, यानी कि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं जो समाज में फैली हुई हैं और लोग दूरबीन का ऑपरेशन कराने से डरते हैं। हम बार बार हर वीडियो में दूरबीन के ऑपरेशन के फ़ायदे की बात करते हैं, बट फिर भी हमारे पास रेगुलरली ओपीडी के अंदर ऐसे पेशेंट्स आते हैं और ऐसे सवाल लेकर आते हैं। वो आज भी दूरबीन के ऑपरेशन के सक्सेस पर, सफलता पर सवाल उठाते हैं। आज भी उन लोगों को लगता है कि दूरबीन का ऑपरेशन पूर्णतया सक्सेसफुल नहीं है और उनको लगता है कि दूरबीन के ऑपरेशन में, यानी कि यूट्रस का जब ऑपरेशन किया जाएगा तो बच्चेदानी को निकाल नहीं पाएंगे, बच्चेदानी को अंदर जला देंगे, बच्चेदानी का कोई टुकड़ा अंदर रह जाएगा, या हम बच्चेदानी को बाहर कैसे निकालेंगे, बच्चेदानी को बचाते हुए केवल गांठ का ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, यदि पहले ऑपरेशन हो गया है तो क्या दोबारा दूरबीन का ऑपरेशन संभव है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम रेगुलरली हमारे ओपीडी में देते हैं। तो हमने सोचा कि आज इन सारे सवालों को एक साथ करके हम वीडियो ही बना दें ताकि सब लोगों को एक साथ सारे सवालों के जवाब मिल जाए। तो सबसे पहला सवाल जो दूरबीन के लिए हमसे पूछा जाता है कि आखिर दूरबीन का ऑपरेशन आप करेंगे कैसे, क्या इस पर चीरा लगेगा, और अगर चीरा नहीं लगेगा तो आप अंदर ऑपरेशन करेंगे कैसे। तो इसका सीधा जवाब है, यदि आपने देखा होगा कि दूरबीन के ऑपरेशन में चार छेद बनाकर ऑपरेशन किया जाता है। एक अम्बिलिकस के ऊपर यानी नाभि के ऊपर बनाया जाता है, दो साइडों में और एक साइड में। जो सबसे ऊपर वाला जो छेद है जिसको कि अम्बिलिकस नाभि के ऊपर बनाया जाता है, उसके अंदर से दूरबीन अंदर जाती है और दूरबीन के ऊपर एक कैमरा लगा होता है, उस कैमरे से अंदर का सारा पिक्चर बड़े स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, जिससे कि हमें अंदर का सारा पिक्चर क्लियर होता है और हम उसको देखकर सर्जरी कर पाते हैं। दूसरी चीज़, क्या हम अंदर कोई लेज़र का इस्तेमाल करते हैं या और कोई ऐसी चीज़ जिससे कि यूट्रस का रिमूवल या कोई ऑपरेशन संभव हो पाता है। तो जी हाँ, हम अंदर एक लेज़र और लेज़र रिलेटेड अल्ट्रासाउंड एनर्जी और एक दो चीज़ें होती है जिनको कि बाइपोलर एनर्जी कहा जाता है, उनको इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो भी खून की नलियाँ हैं उनको सील किया जाता है और फिर उनको कट किया जाता है ताकि सेफली बिना ब्लड के नुकसान के ऑपरेशन किया जा सके। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि क्या पहले किसी का यदि हार्ट वाला ऑपरेशन हुआ है तो फिर भी क्या दूरबीन का ऑपरेशन संभव है। तो जी हाँ, बिल्कुल संभव है। यदि पहले खड़े चीरे वाला, आड़े चीरे वाला, एक दो तीन चार पाँच कितने भी ऑपरेशन यदि हो रखे हैं तो डेफिनेटली फिर भी सफलतापूर्वक दूरबीन का ऑपरेशन किया जा सकता है। उसमें ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। उल्टा मैं ये कहूँगी मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर कि अगर आपके पहले सर्जरी हो रखी है तो दूरबीन वाला ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि जनरली आंतें और आंतों के आसपास का हिस्सा जो पेट की ऊपर की दीवार है, जो इसको कि हम ये वाली आगे वाली दीवार कहते हैं, उस पर नीचे आके चिपक जाती है। और यदि ऊपर कट लगाकर आप देखेंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा आप यानी कि इस छत को कभी भी नहीं देख सकते, लेकिन जब हम दूरबीन डालकर देखते हैं और तो हमें नीचे से आराम से देख सकते हैं और जो भी चिपकी हुई चीज़ें आंतें हो सकती है, आंतों के आसपास का फैट हो सकता है, उसको आराम से हटा सकते हैं और सेफली सर्जरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है दूरबीन का कि उसमें 20 गुना बड़ा दिखता है, 3D विज़न होता है, 4K विज़न होता है, जिससे कि बहुत अच्छा दिखता है। छोटी सी छोटी ब्लड वेसल भी हमें अच्छे से दिखती है, जिसको कि हम अच्छे से टेकल करके बिना खून के नुकसान के सर्जरी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फ़ायदे आपको दूरबीन के ऑपरेशन में मिलने वाले, हाथ वाले ऑपरेशन में आपको ये फ़ायदे कभी भी नहीं मिल सकते। और इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि यदि आपने बच्चेदानी का ऑपरेशन करना है तो जब आप बच्चेदानी निकालेंगे तो आखिर कहाँ से निकालेंगे और क्या वो पूरी की पूरी एक साथ पूरी बाहर निकल पाएगी। इसका जवाब है हाँ, जब भी बच्चेदानी नॉर्मल साइज़ की होती है तो उसका पूरा फ्री होने के बाद वजाइना से यानी जो बच्चेदानी का रास्ता है योनि द्वार से, उसे बाहर निकालते हैं जहाँ से कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो जब इतना बड़ा बच्चा बाहर आ सकता है तो डेफिनेटली 60-70 ग्राम का यूट्रस तो आराम से आ ही सकता है। अब सवाल आता है कि जो बड़े यूट्रस हैं यानी कि जो बड़ी बड़ी गांठें हैं तो उनको कैसे निकाला जाता है। तो उनको भी वजाइना से ही निकाला जाता है, लेकिन यदि आपने देखा होगा कि ऑरेंज को हम कैसे छीलते हैं, ऑरेंज पील टेक्निक होती है, या फिर हम लोग इसे कहते हैं कि रिबन टेक्निक, जिसमें यूट्रस को काटकर गोल गोल काटकर लंबा इस तरीके से लंबा स्ट्रिप में चेंज कर लिया जाता है और पूरा का पूरा यूट्रस बच्चेदानी के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार बड़ी से बड़ी गांठों को भी आराम से बच्चेदानी के रास्ते से डिलीवर आउट किया जाता है। और जो अगला सवाल पूछता है कि फिर क्या इसके कोई टुकड़े अंदर तो नहीं रह जाते।
हिस्सा बिल्कुल भी नहीं रहता, एक भी टुकड़ा अंदर नहीं छोड़ा जाता, पूरे के पूरे को एक पीस में निकाला जाता है और बाद भी वापस दूरबीन से चेक किया जाता है पेट के अंदर जाकर कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं, अगर कुछ होता भी है तो डेफिनेटली उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और ऐसे ही यदि केवल गांठ का ऑपरेशन किया जाता है तो गांठ को पहले एक पॉली बैग के अंदर डाला जाता है जिसको कि एंडोबैग कहा जाता है, फिर उसके अंदर कट किया जाता है जिससे कि उसका कोई भी टुकड़ा अगर गिरता भी है छूटता भी है तो उस बैग के अंदर गिरता है, फिर उस बैग को एक साथ बाहर निकाल दिया जाता है जिससे कि किसी प्रकार का कोई टुकड़ा अंदर नहीं छूटता है। और जब भी गांठ की सर्जरी की जाती है तो बच्चेदानी को बचाकर सर्जरी की जा सकती है। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया कि बच्चेदानी का अगर ऑपरेशन कराना है या उसके आसपास के एरिया का यानी कि गांठ का, सिस्ट का या और भी किसी प्रकार का, तो सारे ऑपरेशन दूरबीन से संभव है। और यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो भी दूरबीन वाला ऑपरेशन ही आपके लिए रामबाण है, क्योंकि यदि दूरबीन का ऑपरेशन अगर आपने नहीं कराया और हाथ वाला ऑपरेशन कराया तो डेफिनेटली उसको घाव को भरने में बहुत सारा समय लग जाएगा। तो अपने दिमाग से दूरबीन से रिलेटेड सारे मिथ आज निकाल दीजिए, वॉश ऑफ कर दीजिए। और यदि आपके या आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में किसी को भी ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी को यूट्रस में गांठ है, ओवरी में सिस्ट है या आसपास और कोई समस्या है, एंडोमेट्रियोसिस है, प्रोलैप्स है, तो डेफिनेटली सबके लिए दूरबीन का ऑपरेशन संभव है। हाथ वाला ऑपरेशन करा कर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल डाउन ना कीजिए और एडवांस रहिए, स्मार्ट बनिए और चूज़ स्मार्ट टेक्निक्स। थैंक यू।